नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। एक सिद्धांत है कि टेनिस की बाल को जितना दबाया जाता है वह उतना ही ऊपर उठती है, उछलती है। शायद ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का भी यही फार्मूला है। न्यूटन महोदय ने, मुझे लगता, यही फार्मूला हम सबको बताया है। भारतीय राजनीति में ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी लागू हो रहा है। इसके अनेकों उदाहरण हैं और समय समय पर तमाम इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसकी अनंत कथाएं भी हैं और बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तयशुदा कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी को विधान भवन के प्रांगण में लगी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना देना था और इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के 22 विधायक शामिल होने थे। ये बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम कर रहे हैं। लखनऊ में विधान भवन में ये विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के 22 विधायकों को करना था, लेकिन बीती रात, जो रात बीत गई 2 बजे के करीब, लखनऊ के ही रहने वाले, लखनऊ से ही विधायक, पूर्व मंत्री रविदास मरोत्रा का कैसरबाग स्थित मकान हो या फिर रायबरेली में पूर्व मंत्री और विधायक मनोज पांडे का घर, सपा विधायकों का आरोप है कि पुलिस ने सीढ़ियां लगाकर उनके घरों में प्रवेश किया और उन्हें नजरबंद कर दिया, या यूं कहें कि उनके घरों में उन्हें कैद कर दिया। सवाल यही है कि क्या विपक्ष की जुबान पर पहरा बैठा दिया गया है और ये सब क्या 2024 को लेकर ये रणनीति चल रही है, चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो। सरकार का जवाब आया कि सड़कों पर सपा की गुंडाई नहीं चलने दी जाएगी, किसी के जनजीवन को अस्त व्यस्त नहीं किया जा सकता। किसी से मतलब आम जनता के जनजीवन को अस्त व्यस्त नहीं करने की इजाजत दी जाएगी और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धरना प्रदर्शन के लिए इको गार्डन का स्थान सुरक्षित है, ये सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से समाजवादी पार्टी और उसके विधायकों को ताकीद कर दिया गया। सपा को वहां जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, कोई नहीं रोकेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। अपने अपने तरीके से सवाल हो सकते हैं, जवाब हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में एक तरीके से विपक्ष ने अंगड़ाई ली है तो उत्तर प्रदेश कहां पीछे रहने वाला है। उत्तर प्रदेश ने भी, विपक्ष ने अंगड़ाई ली है और सपा को धरना प्रदर्शन की याद आई है। महंगाई और बेरोजगारी पर समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल का यह कार्यक्रम शुरू किया है। वास्तव में सबका मकसद तो 2024 का चुनाव है और इसीलिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने अपने तरीके से तैयार हो रहे हैं। मंथन आज इसी पर। चलेगी नहीं चलेगी, सरकार जो है तानाशाही के माध्यम से सरकार चल रही है। आम लोगों के जो जनजीवन है उसमें अगर कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा। मोटे तौर पर आप सुधी दर्शक हैं, खूब पढ़े लिखे हैं और खूब अच्छी तरह जानते हैं कि इन बयानों का, इन धरना प्रदर्शन का मतलब है। माफी के साथ आप सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये शायद मुझे शुरुआत में ही करना चाहिए, लेकिन एक बार पुनः माफी, क्योंकि हम हिंदी की खाते हैं, हिंदी माथे की बिंदी है, हमारा पेट, हमारी रोजी रोटी, हमारे बाल बच्चे हिंदी की बदौलत चलते हैं, इसलिए हिंदी हमारे जहन में है और हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। कुछ बयानात आपको सुनाएंगे, उसके बाद इस पूरे जो मंथन की कथा काया है आपको और समझ में आ जाएगी। हमारे सहयोगी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और बहुत पुराने नेता नरेश उत्तम से खास बातचीत की, उसको सुनिए। इस समय हमारे साथ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी मौजूद हैं। नरेश उत्तम जी, ये बताइए कि आप किस तरीके का प्रदर्शन था जो आप लोगों को नजरबंद करा गया है? क्योंकि हम लोगों ने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में
इस तरीके की कार्रवाई करनी है तो विधायक अपने घर से नहीं निकल पाएगा, विधायक विधानसभा में नहीं जा पाएगा, विधायक कहीं धरना पर दर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसा पहली बार देखा है हमने अपने 40 साल की राजनीति की। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैंने अपने यहाँ कभी 4-5 दिन पहले बात बनवाई थी तो यहाँ रात नहीं पुलिस या मैं 3 बजे से मैं टहलने के लिए निकला था कि यहाँ की ऑफिस यहाँ लेकर थी पुलिस हमारी पुलिस सुबह और ज्यादा हो गया, चैनल के लोग आ गए, हम लोगों ने कहा क्यों आप रोक रहे हैं, क्या बात है, हमको ऊपर का आदेश है, तो कोई आदेश नहीं बस आदेश है कि आपको नहीं जाना, हमको आपको मालूम नहीं कि हमको कहाँ जाना। उबर टाइप का आपका प्रदर्शन था या नॉर्मल प्रदर्शन था जो आपको किस से इतना रोका गया? विधानभवन के अंदर जो बाहर की तरफ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या और महंगाई आज को लेकर के हमारा एक धरना कार्यक्रम था विधायकों का, वो भी एक सुनिश्चित विधायक विधायक। हाँ, कितने विधायक थे आपके? कुछ सुनिश्चित विधायक थे उसमें? देखिए 4 दिन का इंतजाम था, 4 दिन हमारे 130 जिले तो वो 20-20 करके देंगे करना थे, मतलब 20-20 करके अलग 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 थे। लेकिन सरकार क्यों इतना घबरा रही कि अपनी बात नहीं कर सकता, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर आप किसी को बोले नहीं और विधायक को गरीब नजर बंद कर देंगे। अब सब लोग सुबह से हम लोग यहाँ पर कह दिए कि हाउस अरेस्ट करें, क्या चैनल के लोग आए, सारे पत्रकार लोग आए सुबह ही हाउस अरेस्ट। कैमरामैन अब्दुल के साथ मैं आशीष सोनकर, के न्यूज। आपने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को सुना, वो कह रहे भाई 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरीके का नहीं सुना कि कोई अगर विधायक प्रदर्शन करने जाए। उन्होंने बताया कि भाई उनकी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर, महंगाई को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर चरणबद्ध तरीके से जो विधान भवन में किसान नेता चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं भारत के और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनकी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह कार्यक्रम करना था लेकिन ये कार्यक्रम भी नहीं किया करने दिया गया। उन्होंने कहा भाई 110 विधायक हैं, 110-111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और उनको 4 भागों में बांटकर प्रत्येक 20-22 विधायकों को रोज जाना है, आज भी इतने ही विधायक जा रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया और ये कहा गया सब विधायकों को, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे भी, मैंने आंखों का ऑपरेशन कराया है और मुझे भी रोक दिया गया, ये कहा गया कि भाई आप निकल नहीं सकते, ऊपर का आदेश है। अभी ऊपर का क्या आदेश है पता नहीं। कुछ और नेताओं को सुनिए, समाजवादी पार्टी के विधायक और जिनके जिनके घर में सीढ़ी लगाकर पुलिस चढ़ी, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। बहुत पुराने नेता समाजवादी पार्टी के रविदास मरोत्रा और पूर्व मंत्री मनोज पांडे, इनको सुनिए। एसीपी और 50 दरोगा सिपाही यहाँ पर जो है वो थे और जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे बलपूर्वक रोक लिया गया और कहा बाहर आप गश्त नहीं है, गश्ती हम लोगों को इस यहाँ पर कैद करने का काम किया। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विधायकों को अपने घरों के अंदर कैद करने का सरकार ने काम किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार जो है तानाशाही के माध्यम से सरकार चल रही है, दमन करके जनता की आवाज दबाना चाहती है, जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उजागर ना होने पाए इसलिए सरकार ने ये दमन और जुल्म करने का काम किया है। हम लोग सरकार के इस दमन जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। घोषित इमरजेंसी लगा करके विधायकों को आने से रोका गया, मैं स्वयं इसका पीड़ित हूँ। मेरे घर पे भी 1:30 बजे रात में जब कुछ पुलिस कर्मी कूदे तो मुझे भी आवाज हुई, तो मैंने खिड़की से देखा कि इतनी फोर्स, वो भी दरवाजा नहीं खोल करके बाउंड्री फांध करके क्यों आ रही। और यही नहीं, एक नहीं, हमारे रायबरेली के बछरावा के श्याम सुंदर भारती जी, उनके यहां सीढ़ी चढ़ा लगा करके लोग चढ़ गए। रविदास मेहरोत्रा जी के यहाँ क्या हुआ, अरमान जी के हमारे विधायक के यहाँ क्या हुआ,
और ऐसे बहुतायत प्रदेश के विधायकों को एक तरीके से बंधक बनाए जाने का काम किया गया। लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे इश्यूज पब्लिक के इश्यूज थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, इन किन्हीं मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया और हमने फिर आज साबित किया कि हम उत्तर प्रदेश के गरीबों के साथ, किसानों और नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को आपने सुना, बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। कहा भाई विधायकों को एक तरीके से बंधक बना दिया गया, पुलिस ने बंधक बनाया कि वो वहां पर प्रदर्शन करने ना जाएं। जो जहां पर था, जो लखनऊ में था, जो रायबरेली में था, जो अन्य जनपदों में था, बछरावा एक जगह है रायबरेली, वहां के विधायक को भी रोका गया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाया और एक आज पूरा गहमा गहमी रही। समाजवादी पार्टी के कार्यालय और अखिलेश यादव के घर में भी भारी पुलिस लगा दी गई। ये पूरा जो कथा काया, जो पूरा प्रकरण, ये आज पूरा दिन गहमा गहमी, भारी बारिश के बाद भी लखनऊ भी ये गहमा गहमी रही और इसका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद द्विवेदी ने जवाब दिया, उसको सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके विधायकों की नींद टूटी है और वो अब दिखने लगे हैं और कुछ बोलने भी लगे हैं। बड़ी बात यह है कि धरना देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन धरना देने के लिए एक स्थान आपको दिया गया है, इको गार्डन, वहां आप उस धरना दीजिए। धरने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी धरना दे देंगे, कहीं किसी सड़क पर बैठ जाएंगे, कहीं किसी इमारत पर चढ़ जाएंगे और लोगों, आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। जहां आपकी स्थान सुनिश्चित किया गया है, जहां आपको शासन प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा रही है, वहां आप जाइए, वहां धरना दीजिए, धरना के माध्यम से अपनी बात रखिए, इससे कोई आपत्ति नहीं। तो उनको स्थान प्रशासन द्वारा तय किया गया है, वहां पर अगर वो कोई भी गतिविधि करते हैं, किसी भी तरह का धरना देते हैं, उससे न प्रशासन को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, न ही उसमें कोई हस्तक्षेप होगा। लेकिन अगर वो नियमों के खिलाफ जाकर, कानून को तोड़कर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेंगे, लोगों, आम लोगों के जो जनजीवन है उसमें अगर कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा। दरअसल मसला ये है कि 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सत्र से पहले समाजवादी पॉलिटिक्स एक तरीके से चरम पर है और समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये प्रोग्राम समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया, ये जाहिरा तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन योगी सरकार को इस बात का अंदाजा था कि यदि प्रदर्शन हो गया, या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि अगर प्रदर्शन हो गया तो फिर मानसून सत्र भी बहुत गर्म हो जाएगा और फिर सदन चलाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी ला रही है और पिछला सदन सभी ने देखा कि जो पूर्व के 2017 से लेकर 22 तक के सदन थे वो उतने भारी नजर नहीं आ रहे थे, उतनी गहमा गहमी नहीं थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव विधानसभा के अंदर हैं तो मोर्चा बहुत बराबर का हो रहा है, टक्कर तगड़ी हो रही, तो इस बात को लेकर पिछला सदन बहुत टकरी रहा और कई ऐसे अवसर आए जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुठभेड़ भी हुई सदन के अंदर। लेकिन इस बार सरकार ये चाहती है कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो पास हो और जनहित का कार्य हो, एक तरीके से ये हंगामा बवाल ये सब ना रहे। वैसे तो हमेशा ही विधानसभा या का सत्र जो रहता है पहला दिन वो विपक्षी दल हैं उनको समर्पित रहता है और वो धरना प्रदर्शन करते हैं और पहला दिन इसी में जाता है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र के पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सपा के विधायक 14 सितंबर यानी आज से 18 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। सपा विधायक विधान परिषद में लगी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठेंगे। यही आज वो धरना देने जाने वाले थे, लेकिन उनको किसी को रोका गया, किसी को गिरफ्तार किया गया और किसी को उसके घरों में नजरबंद कर दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जो मंशा और बयान जो आ गया है कि भाई अब इको गार्डन में करो, चौधरी साहब की प्रतिमा के नीचे किसी को
बैठने नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव के घर में फोर्स तैनात कर दिया गया है, समाजवादी पार्टी मुख्यालय को भी बैरिकेड कर दिया गया और विधायकों के निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सब पूरा एक तरीके से हुआ है, तमाम बयानात भी आपने सुने, तमाम चीज़ें सुनी। अब मंथन हम इस पूरे मसले पर शुरू करते हैं कि भाई ये जुबान पर जो ताला है, बोलने प्रदर्शन करने, ठीक है भाई किसी से कहो कि जाओ तुम लखीमपुर में प्रदर्शन करो जाके, या कहीं जाके तुम BKT में प्रदर्शन करो जाके, तो उस प्रदर्शन का और विधान भवन के अंदर प्रदर्शन का अंतर होता है। और ये लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा ये कहता है कि उसका अधिकार है, और अक्सर ये आरोप लगते हैं कि सत्ता पक्ष अधिकारों का हनन कर रहा है, और एक तरीके से उन अधिकारों के हनन के आरोप सत्ता पक्ष पर लगते हैं। मंथन में अब मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। कई महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए अनिल ग्रोवर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। दिलीप यशोवर्धन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत दिलीप जी, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। कुलभूषण त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत ही प्रखर प्रवक्ता। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और हमारे साथ जाहिद वेग साहब भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक हैं। और जाहिद साहब आज चकमा देकर, सारी फोर्स को चकमा देकर विधान भवन साइकिल से पहुंच गए। लोग उनको घेरते रहे कि भाई जाहिद साहब को रोको, पकड़ो, लेकिन वो चकमा देकर साइकिल से विधान भवन पहुंच गए। ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद वेग साहब का एक बार फिर स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद और आभार। चर्चा की शुरुआत गोस्वामी जी से ही शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक जो साथी हैं, राजनीति से जुड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनसे बात करेंगे। गोस्वामी जी, ये आज अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी लखनऊ में रही, सारा घटनाक्रम आपके सामने है। एक तरीके से वो चरणबद्ध तरीके से चौधरी साहब की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करना चाहते थे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, क्राइम, बहुत सारे मुद्दे हैं। और सारे मुद्दे मुझे लगता है जनता और किसानों को लेकर ही हैं, कोई समाजवादी का पर्सनल मुद्दा नहीं है कि भाई अखिलेश यादव पे छापे मत मारो या अखिलेश यादव के ये पर्सनल मसले हैं, इस पर कोई शायद मसला था नहीं। उसके बाद भी जैसे आरोप लग रहे हैं और तमाम विधायकों ने कहा भी है, अभी जाहिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि सबको रोक दिया गया, नज़रबंद कर दिया या किसी को कहीं किसी को कहीं, तो ये है क्या, ये क्या लोकतंत्र में बोलने का अधिकार अब नहीं रहा या नहीं बचेगा? क्या जुबान पर एक तरीके से ताला लगा दिया जाएगा, ये पहरा बैठा दिया जाएगा? क्योंकि अब ये बात भी हमने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सुनी कि वो कह रहे थे कि भाई आप इको गार्डन में जाइए प्रदर्शन करिए, तो आप ये भी कह सकते हैं BKT में जाइए प्रदर्शन करिए, तो BKT विधान भवन और यूको गार्डन के प्रदर्शन में अंतर है भाई, विधायक कहे हैं और सत्र आने वाला है। गोस्वामी जी अनम्यूट करिए, गोस्वामी जी दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अभी भी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, मुझे लगता कुछ तकनीकी खामी है। लगता है कुछ तकनीकी खामी के साथ ही मंथन की शुरुआत हो रही। दिलीप यशोवर्धन के पास जाते हैं, यही सवाल टॉस करते हैं दिलीप यशोवर्धन जी को। दिलीप जी, जी जो सवाल गोस्वामी जी से था वही आपसे है, बोलिए जी, एक बार दोहरा दीजिए सवाल बेन जी। मेरा सवाल ये है कि भाई क्या बोलने पे अभिव्यक्ति पर भी पहरा हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता के ही मुद्दे उठा रही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई मुलायम सिंह का और अखिलेश यादव अपने पे कोई मुद्दे उठा रहे हो, वो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, किसानों की समस्या, गन्ना की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, इसी को लेकर वो चरणबद्ध धरना देना चाहते थे विधान भवन में, चरण सिंह की प्रतिमा, चौधरी साहब की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करना चाहते थे। कल ही रात, देर रात तमाम विधायकों को नजरबंद किया गया, उनके घरों पर रोका गया, और आज भी गिरफ्तारियां हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय को पुलिस ने घेर लिया। ये क्या किस तरह का मसला है भाई, ये क्या मतलब, बोलने का भी अधिकार विपक्ष को नहीं बचेगा? अगर संवैधानिक रूप से देखेंगे तो सत्ता पूर्णतया गलत है।
क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) में ये प्रावधान दिया गया है और ये फंडामेंटल राइट में आता है कि कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक संस्था, कोई राजनीतिक दल अगर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहती है, अपनी बात को कन्वे करना चाहती है, पब्लिक मीटिंग्स करना चाहती है, तो ये उसको संवैधानिक अधिकार है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को वैलिड माना है, उसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रखा है। अब सरकार के द्वारा ये एंटिसिपेट कर लेना कि अगर ये सड़क पर आएंगे तो बवाल होगा, पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस होगा, सिक्योरिटी में डिस्टर्बेंस होगा, ये एक गलत परसेप्शन है और ये भारतीय प्रजातंत्र के मायनों पर कहीं से खरा नहीं उतरता है, संविधान के सामाजिक मूल्यों पे कहीं से खरा नहीं उतरता है। लेकिन विपक्ष के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि जिस उद्देश्यों के तहत वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित रहे, क्योंकि धरना प्रदर्शन के बहाने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत पैदा होती है तो ये दिक्कत संविधान के दायरे में नहीं आती और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन ये बात तब आएगी जब ये धरना प्रदर्शन शुरू होगा। जिस तरीके से विधायकों को नजरबंद कर दिया गया, समाजवादी पार्टी के पहरा बैठा दिया गया, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया, ये पूर्णतया गलत है। ये करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार के ऊपर संवैधानिक रूप से जिम्मेदारी ये है कि इस तरह के जो धरना प्रदर्शन होते हैं उनको सहयोग करे और उनको पूरा कराए। ठीक बात है। जाहिद बेग साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या क्या पूरा कैसे क्या घटनाक्रम रहा, फिर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिल ग्रोवर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या है, लोकतंत्र तो सिस्टम से चलता है और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, और अगर जनता की नुमाइंदगी, अगर समाजवादी पार्टी को 110 विधायक उनके जीते हैं या जो भी संख्या है 110-111, तो जाहिर सी बात है जनता ने उनको उन पर भरोसा जताया, जैसा आप पर कुछ ज्यादा भरोसा जताया उन पर थोड़ा कम जताया, लेकिन नुमाइंदगी करने का अधिकार तो है ही। लेकिन क्या इतने लोगों की आवाज बंद करके एक बड़े वर्ग की आवाज नहीं बंद करेंगे आप? ये सवाल हम उनसे पूछेंगे अभी, लेकिन जाहिद बेग साहब के पास चलते हैं। जाहिद साहब, क्या पूरा घटनाक्रम रहा और किस तरीके से आप किसे आप क्यों कह रहे हैं कि भाई सरकार उत्पीड़न कर रही, उत्पीड़न की श्रेणी में क्या है? आप वहां इको गार्डन में प्रदर्शन करिए, क्या दिक्कत है और आप कैसे चकमा देकर पहुंचे, जरा बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि जो काक्रम आज था वो 12 विधायकों का काक्रम था, सड़क पे नहीं था जी, विधानसभा के अंदर से विधायक जाते और धरने पे बैठते, 2 बजे तक काक्रम समाप्त कर देते जी। ये सरकार की गलत बयानबाजी है कि सड़क पे जाम होता, सड़क पे बवाल होता, सड़क पे जाने का कोई हमारे लोग का इरादा नहीं था, ना कोई जाना चाहता था। और विधानसभा के अंदर जाना विधायकों का संवैधानिक अधिकार है, जनता ने चुना है, ये पहला मौका है आजादी के बाद कांग्रेस शासन के इमरजेंसी में इसी बात। जाहिद साहब, आपकी आवाज कुछ मुझे लगता है कि सिस्टम आपसे दूर है, थोड़ा और करीब आइए, दर्शक सुने आपको स्पष्ट, दर्शक अभी सुन नहीं पा रहे हैं आपको, और जाहिद साहब की आवाज बढ़ाई जाए, मैं पीसीआर से कहूंगा आवाज बढ़ाए जी। बोलिए जाहिद साहब, बोलिए। ये कह रहे थे कि हम लोग का कार्यक्रम जो था आज विधानसभा के अंदर चौधरी साहब की प्रतिमा के सामने चरणबद्ध तरीके से धरना था जी, न कि सड़क पे था जी। सरकार का ये कहना कि इससे सड़क जाम होता, व्यवस्था दिक्कत होती, ये इस तरह से गलत है। ये लोकतंत्र हत्यारी सरकार है, दबाने के लिए आवाज दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लोगों को घरों से गिरफ्तार कर लिया, बंद कर दिया और सीढ़ियों से डाक के विधायक किसी तरह निकले। आज जहां तक हमारी बात है जी, या मैं सुबह दिल्ली से आया हूं और मैं अपने सरकारी आवास पर नहीं गया जी, जब जानकारी हुई अपने एक दोस्त के यहां मैं गया हूं, वहीं से साइकिल लेके विधानसभा के सामने पहुंचा जी। और अगर हमको मैं सरकारी आवास जाता तो शायद मैं वहां नहीं पहुंच पाता विधानसभा के सामने। ये समझते हैं कि फोर्स लगा के, पुलिस लगा कर, गिरफ्तार कर विपक्ष की आवाज बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग बेरोजगारी के मामला लेकर, महंगाई के मामला लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, किसानों का लेकर, छात्रों को लेकर, जीएसटी जी,
के अंदर महंगा हो रहा है, सारे मुद्दे लेकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके यूको गार्डन में ले जाया गया जहां बारिश हो रही थी जी। उस बारिश पर हम लोगों को रखा गया। साथ क्या व्यवहार करती है ये बात और ये लड़ाई आज से शुरू हुई है जी। और विधानसभा सत्र तक चलता रहेगा, सड़कों तक, सड़क से लेकर सदन तक चलेगा। जाहिर साहब, जाहिर साहब, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इसका जवाब लेंगे और आगे समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा। कांग्रेस के भी साथी आ गए हैं, उनसे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे और गोस्वामी जी भी आ गए हैं, उनसे भी समझेंगे कि ये सब पूरा मसला इसके पीछे है क्या। सरकार जो है तानाशाही के माध्यम से सरकार चल रही है। आम लोगों के जो जनजीवन है उसमें अगर कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocom, rakhe sab control mein. Goldie Hing ka tadka lage to sabhi daba ke khate hain. Goldie Hing, kan kan mein jaan. Dekhe, kaun naya khiladi aaya hai. Samjha dete hain, pyar se samjhayenge. ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बड़ी मस्त है बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी। इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार जो है तानाशाही के माध्यम से सरकार चल रही है। आम लोगों के जो जनजीवन है उसमें अगर कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा। सरकार ने एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो 22 विधायक हैं वो जाएंगे तो जनजीवन प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, और इसी आधार पर ये लोगों को नज़रबंद किया गया, गिरफ्तारियां की गई। जैसा कि समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग साहब जुड़े हुए हमारे साथ में बता रहे हैं कि भयंकर मूसलाधार बारिश में उन्हें इको गार्डन लेकर छोड़ दिया गया। जनता के नुमाइंदे हैं, हो सकता है कि जिन लोगों ने इनको चुना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। इसका मतलब कि ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जनता के नुमाइंदे नहीं हैं। तो जितनी वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के विधायक की है, जिनकी वजह से सरकार है, उतनी वैल्यू इन विधायकों की भी है। ये जहन में, शासन सत्ता चलाने में लोगों के जहन में बात होनी चाहिए और होगी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आवाज़ दबाई गई, घरों में बंद कर दिया गया? ऐसा कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया था क्या? क्या क्या मसला हुआ, क्या नहीं हुआ? बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी चीजें उठ रही हैं। अखिल गुरुवर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम जो विधायक हैं सुना, एक विधायक जो गिरफ्तार हुए थे बाद में रिहा हुए वो आपके साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं जाहिद साहब,
ये आवाज दबाने की परंपरा ये क्यों शुरू कर दी गई, क्यों आवाज दबाई जा रही भाई? जैसा इन लोगों का आरोप है कि आप सुनेंगे ही नहीं, पहले एज्यूम कर लेंगे कानून व्यवस्था खराब हो गई थी। अखिल जी बोलिए। रखने के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण अगर ये व्यवस्था करते, अनुमति लेके करते, तो इनको सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराती, सब चीज मुहैया कराने के बाद इनको धरने की इजाजत थी, इनको परमिशन नहीं थी, इस वजह से इनको रोका गया। किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? कलकत्ता के अंदर जवाब दीजिए अखिल जी, जवाब दीजिए, वो पूछ रहे हैं विधायक जी, ये किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दोहरातरित है। आप वहां पे बुलडोजर चलवाइए, कलकत्ता के अंदर पुलिस गाड़ी आपने तोड़ दी, कहा गए आपके कानून व्यवस्था? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, कोई कानून व्यवस्था वाले ही तोड़ी गई है, वो गलत दिखाया गया, वो टीएमसी के गुंडे थे, उन्होंने सब किया, वो गलत दिखाया गया, वो गलत दिखाया जा रहा है, वो पार्टी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। अब पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती है, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। अगर कार्यकर्ता ने गलती करी है तो कार्यकर्ता पार्टी से बाहर होता है, हमारी पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त की जाती है, हमारी पार्टी में अखिल जी, अखिल जी लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, और वो गांधी जी की प्रतिमा, वो चौधरी साहब की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे और उन्हें रोका गया, घरों से गिरफ्तार किया गया। अरे आपके पास इतनी ताकत है, आप सुबह ही रोक सकते थे, रात में किसी को गिरफ्तार करना, 2 बजे रात में किसी के घर में घुस जाना, ये क्या तरीका है भाई? के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके से सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। 19 तारीख से मार्च निकाला जाएगा विधायकों का, देखते हैं कितनी ताकत है आपको रोकने के लिए, आपकी सरकार को, योगी सरकार कितनी ताकत है। जाहिर साहब ये बताइए कि जो लगातार आपका ये चलना, आज इन्होंने रोक दिया है, गिरफ्तारियां भी हुई, बाद में रिहा भी लोग हो गए, क्या कल परसों लगातार ये आपका जो कार्यक्रम सत्याग्रह का है वो रोज चलेगा, ये आज से आपने स्थगित कर दिया है? नहीं, स्थगित नहीं हुआ है, अब हम लोग 19 तारीख को मार्च करेंगे पार्टी कार्यालय से, देखते हैं कि सरकार को कितनी ताकत है रोकने के लिए, विधानसभा जाने के लिए 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हम लोग विधानसभा जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे। आप परमिशन लेके धरना करेंगे, सरकार आपका साथ देगी, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होगा, सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं अखिल ग्रोवर साहब कि आप परमिशन नहीं लेते, परमिशन लेने में क्या भी दिक्कत है? जाहिर साहब, विधानसभा के अंदर जाने के लिए मैं परमिशन लूंगा, और विधानसभा अध्यक्ष को नियुक्ति दिया गया था, 10-10 विधायक जाएंगे, चौधरी साहब की प्रतिमा के सामने बैठेंगे और उसके लिए परमिशन ये बताइए भाई, वो विधायक हैं, वो कह रहे विधानसभा के अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए, क्या विधानसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया सतीश माना को उन्होंने, अब इसके बाद कौन सी परमिशन की आवश्यकता है बताइए अखिल गुरुवर? आपकी आवाज मुझे सुनाई दी, आपका पूरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। चलिए अब अखिल जी को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। प्रशासन से अनुमति ले ले, अनुमति लेके जहां चाहे वहां धरना कर। कांग्रेस के प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी जी जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, आपकी भी सरकारें बहुत प्रदेशों में रही हैं, अब भले ही 2 जगह बची हैं, लेकिन आप लोग भी इस तरीके का काम आप लोग भी करते थे क्या कभी? देखिए ऐसा है दुर्गेश जी, कभी भी संविधान के जो बनाई हुई व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो मुद्दा है विधानसभा सदस्यों के बोलने का, उनके प्रदर्शन करने का। आम आदमी को प्रदर्शन का पूरा अधिकार रहा है आज तक इस देश में। जिस 70 साल का ढिंढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी, उसी 70 सालों में इस देश में आज लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे बार बार प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये पूरी तरह से तानाशाही पर उतरी हुई सरकार है कि यह विधायकों को ही नहीं बोलने देगी। आम आदमी तो आवाज उठा ही नहीं सकता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। ये शेर अंग्रेजों के लिए लिखा गया था अकबर इलाहाबादी द्वारा, आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है। और शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर यहां कह रहे हैं कि अनुमति नहीं ली थी। अरे विधानसभा सदस्य किस बात की अनुमति लेगा? विधानसभा सदस्य सदन में अपनी बात रखने के लिए चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई सरकार। अरे भाई विधानसभा को नियम कायदा है अखिल गुरोवर जी, कि सब धान 22 पसेरी तोल देंगे आप,
विधायक विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा क्या? आपने एक बात पकड़ ली कि भाई उसमें क्या पुलिस कमिश्नर अनुमति देगा विधायक को विधानसभा के अंदर घुसने के लिए? इसका जवाब दीजिए ना आप। आप तो बुलडोजर के लोग हो, आपको किसी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। जो भी खिलवाड़ करेगा उसके साथ कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। विधायक कौन सा काम व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे थे? आप अनुमति लीजिए, जहां चाहे वहां प्रदर्शन करिए, अनुमति लीजिए, प्रशासन है। विधायक किस चीज की अनुमति लेगा, यही तो आपसे पूछ रहा हूं। आपको कोई सामान्य जानकारी है? कभी विधानसभा देखी है आपने? विधायक के लिए भी कानून है, सबके लिए कानून एक समान है। अच्छा, अखिल ग्रोवर पूरी कानून की किताब पढ़कर आए कुलभूषण जी, जवाब दीजिए आप। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, चाहता हूँ नई तारीख से मार्च निकलेगा, सारे विधायक एक साथ चलेंगे, आपकी सरकार में ताकत तो रोक लीजिएगा विधानसभा में जाने के लिए। आप परमिशन लीजिए, जितनी चाहे उतनी तनख्वाह निकालिए। अरे वो परमिशन की नहीं बात कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं आपकी सरकार को। जाहिद बेग कह रहे हैं कि 19 तारीख को हम जाएंगे और आपकी सरकार में ताकत हो तो रोकिए, वो चुनौती दे रहे हैं, परमिशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम विधायक के विधानसभा में घुसने की परमिशन चाहिए क्या? हम परमिशन थोड़ी लेंगे, विधानसभा सदस्य हैं उसके अंदर हम जाएंगे, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दे दिया है कि भाई एक घंटा दो घंटा वहां सत्याग्रह करेंगे, चले जाएंगे, क्या दिक्कत हो गई इसमें? प्रदर्शन की अनुमति उसके बाद जो प्रदर्शन किया जाएगा कतई बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी। कुलभूषण जी, जी दुर्गेन जी, अखिल गुरोवर जी पूरी कानून की किताब पढ़कर आए और एक ही बात रट रहे हैं कि सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कानून पे चलना है। बोलिए अखिल ग्रोवर जी, एक जुमला रट के आए हैं, वही बोलते रहेंगे। मैं इनसे पूछता हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से भारत में विधानसभाओं की स्थापना हुई है, जरा आप बता दें। आप बता दें कि भारत आप खाली अपनी पार्टी को पहले देख ले, कहा जा रही है आपकी पार्टी, पहले अपने को देख ले, फिर हमको आर्टिकल बताए। अरे पहले अपने को देख ले और सारी चीजें देख ले, कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा कतई बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी, चाहे वो पार्टी का विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो। खिलवाड़ कर रहे थे विधानसभा अनुमति लीजिए, सांकेतिक गर्मी की अनुमति लीजिए, आप धरने लीजिए, आपको सरकार आपको अनुमति देगी, आप सरकार से अनुमति मांगिए, आपको अनुमति मिलेगी, आप अनुमति लीजिए, करिए प्रदर्शन, क्या समस्या है? समस्या उसमें क्या है? आप अनुमति ले लीजिए। जानकारी नहीं है कि विधानसभा सरकार से ऊपर होती है, सरकार के अंदर नहीं आती। सुन लीजिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान कानून सबके लिए एक बराबर है। चलिए कुलभूषण जी को बोलने दीजिए, कुछ कह रहे हैं, समझ लिया गया, कानून से ऊपर जाहिर सी बात है कोई नहीं है, लेकिन कानून में भी कई बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं। कानून बना, कानून विधानसभा में बनता है, लोकसभा में बनता है। बोलिए कुलभूषण जी, अनुमति लीजिए। दुर्गेंद्र जी, सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है, विधायिका है वो कार्यपालिका से ऊपर आती है, विधायिका से हमारे देश में कार्यपालिका बनाई जाती है। ठीक बात, कार्यपालिका आदेश जारी कर रही है विधायिका के सदस्यों को न बोलने देने का। दरअसल ये पूरी तरह से संवैधानिक संकट जैसी स्थिति है, जिसे चूंकि आज मैं बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि आपके साथ जो भाजपा के हमारे साथी हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है कि विधायिका कार्यपालिका में क्या अंतर है। कार्यपालिका विधायिका को काम करने से नहीं रोक सकती है। आप जो ये कृत्य कर रहे हैं ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। विधानसभा सदस्यों को विधानसभा में या विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए कार्यपालिका से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप उनके आवास पर पुलिस लगा दे रहे हैं और इसीलिए जाहिद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो विधानसभा पहुंच जाते हैं क्योंकि अपने घर नहीं गए थे। आप घर रोक सकते हैं, सड़क रोक सकते हैं, विधानसभा नहीं। और विधानसभा में कोई अनुमति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इस समय, बोलने दीजिए अखिल ग्रोवर, बोलने दीजिए कुलभूषण जी को, बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, आप भी रखिएगा। बोलिए कुलभूषण जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यवस्था है संविधान की, उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी, और इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपनी तानाशाही में डूबी हुई है। विधायिका को नियंत्रित करने की कोशिश कभी भी कार्यपालिका को नहीं करनी चाहिए, और आज जिस तरह से विधायकों के घर के बाहर फोर्स लगा दी गई जिससे विधायक वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जाहिद साहब चूंकि घर से नहीं आए थे इसलिए वो विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा में घुसने के लिए किसी भी विधायक को किसी भी कार्यपालिका से अनुमति की जरूरत नहीं है।
वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस समय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाही पूर्ण तरीके से किसी भी रूप में लोकतंत्र और संविधान का हरण करने पर लगी हुई है। यह देश के लिए आज बड़े दुर्भाग्य का दिन है कि आज इस तरह से विधायिका के सदस्यों पर चोट की जा रही है। जो हमारे देश के नीति नियंता हैं, जो नीति तय करते हैं, उन्हीं को नहीं बोलने दिया जाएगा, उन्हीं को नहीं प्रदर्शन करने दिया जाएगा। इससे बड़ी तानाशाही की कल्पना दुर्गेश की नहीं की जा सकती। ठीक बात है दिलीप जी। कुलभूषण त्रिपाठी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई विधानसभा में जाने के लिए क्या किसी अनुमति की आवश्यकता होती है। और एक प्रश्न मेरा यह है, दूसरा इसी से जुड़ा प्रश्न है कि क्या समाजवादी पार्टी, जैसे पूरे देश में एक तरीके से विपक्ष ने अंगड़ाई ली है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अंगड़ाई ले रही है और उसको लगा कि भाई अब थोड़ा देर हो जाएगी, राहुल गांधी वहां कन्या से कुमारी से कश्मीर के लिए चल पड़े, नीतीश कुमार उधर लगे हुए हैं, तमाम जो पूरा विपक्ष है, अरविंद केजरीवाल अलग अपना अपने अपने तरीके से सारे लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कहीं ना कहीं मैं पहली बार देख रहा हूं कि थोड़ी असहज स्थिति में नजर आ रही वो। तो अखिलेश यादव भी मुझे लगता है उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम बनाओ और कम से कम जो सत्र आ रहा है वो कम से कम एक संकेत और संदेश और संकेत जाए कि उत्तर प्रदेश में भी मजबूत विपक्ष है और इसके जो केंद्र बिंदु में 2024 का चुनाव ही है। दिलीप जी देखिए, जो अप्रत्यक्ष सत्य है इस सारे बवाल का जो धरना प्रदर्शन के नाम पर चल रहा है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है, वो अपनी एग्जिस्टेंस अपने अस्तित्व को जनता के बीच में जताने का दूसरा क्या तरीका अपना सकती है, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन तो अब होता नहीं है, जनसभाएं होती नहीं, जनसभाएं जनसंपर्क रैलियां ये सिर्फ जब इलेक्शन का समय आ जाता है तब होती हैं। तो जनता को ये बताने के लिए कि हम भी मैदान में हैं और हम भी इस खेल में खेलेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, ये बताने के सबसे बढ़िया तरीके होते हैं। और ये बात सही है कि किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको विधानसभा में जाकर के अपनी बात रखने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली जब सत्र चल रहा होता है तब। लेकिन अगर वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई पब्लिक में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है तो उसको सरकार से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। किसी भी पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए सरकार से परमिशन मैंडेटरी है, वो प्रोटेस्ट चाहे एमपी करे, एमएलए करे, साधारण आदमी करे या कोई भी करे, ठीक बात। लेकिन वो परमिशन मैंडेटरी है, बिना परमिशन के किया गया धरना प्रदर्शन को रोकने का अधिकार सरकार को है और वो इलीगल कहलाता है। ठीक बात। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि धरना देना, प्रदर्शन देना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, ये आपका आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट में कवर होता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। वो रेस्ट्रिक्शंस यही है कि पब्लिक ऑर्डर्स का डिसोबे नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें, पब्लिक को अपनी बात पहुंचाएं। और ये माध्यम रहा है, हमेशा माध्यम रहा है। दिलीप जी, यहाँ वो विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, वो अभी जाहिर साहब कह रहे थे कि भाई विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिख कर दे दिया, 20-20, 22-22 विधायक वो जाएंगे, 2 घंटे चौधरी साहब के प्रतिमा में जो विधान भवन के अंदर है वहां जाएंगे, बैठेंगे और चले आएंगे। तो वहां विधान भवन के अंदर तो आम आदमी जाता नहीं है, कहां पब्लिक सिस्टम कहां डिस्टर्ब हो रहा है वहां पे। विधान भवन के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रतिनिधि बैठना चाहता है तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। आपको आज सारी जानकारी है, आपको सारी जानकारी है कि वो कहां बैठने जा रहे थे और किस लिए जा रहे थे और कहां उन्होंने अनुमति ली, ये तो सबको जानकारी है आज पूरे प्रदेश में। ऐसी स्थिति में ही पूछा जा रहा कि क्या वहां भी नहीं जा सकते हैं वो, जैसा भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि अनुमति लेनी पड़ेगी। वहां जा सकते हैं, उसके लिए नहीं मैं कह रहा अनुमति, पब्लिक प्लेस पे अनुमति नहीं है, पब्लिक प्लेस में अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे भाई पब्लिक प्लेस में कहां जा रहे थे वो, क्या अगर विधान भवन के अंदर, अगर विधान भवन के अंदर विधायक अगर करके बोलिए अखिल जी, अभी अभी दिलीप जी बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए, दर्शकों को सुनाई नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं, बोलिए दिलीप जी। विधान भवन के अंदर अगर चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा अध्यक्ष को इंटीमेट करके शांतिपूर्ण तरीके से बैठना चाह रहा है तो कहीं से गैर कानूनी नहीं है और इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ डीएम का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता है क्योंकि विधानसभा पब्लिक प्लेस नहीं है, जी वो पब्लिक प्लेस नहीं है, इसलिए वहाँ डीएम का सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं आता है।
वहां विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र आता है और वहां पर प्रॉपर परमिशन लेने का भी कोई प्रक्रिया नहीं है, उनको इंटीमेट कर दिया शांतिपूर्ण तरीके से बैठने जा रहे हैं। और अगर विधानसभा के अंदर बैठ रहे हैं तो यहां पर ना तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, ना लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ना पब्लिक पॉलिसी का वायोलेशन होगा, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लिमिटेड लोगों की एसेस है और वहां पर विधान चुने हुए विधायक अगर बैठना चाह रहे हैं और सरकार उनको रोक रही है तो ये कहीं से तर्कसंगत और संवैधानिक नहीं है, गलत है। ठीक बात है कुलभूषण जी, अब थोड़ा पॉलिटिकल चर्चा कर लेते हैं, राजनीतिक चर्चा करें तो घटनाक्रम था और इसके पीछे भी राजनीति है, क्योंकि राजनीतिक दल करते हैं और राजनीति को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि जनता के लिए जो राजनीति की जाए वो करनी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा दिलीप जी ने कहा कि भाई प्रोपोगंडा पॉलिटिकल है तो होना चाहिए, कल भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो यही प्रोपोगंडा वो करती थी, क्योंकि माध्यम क्या बचा है, जनसंचार के माध्यम विपक्ष के लिए सिकुड़ गए हैं, उनमें बहुत उनकी भूमिका बची नहीं है, बहुत जगह उनको मिल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक के बीच में जाके प्रदर्शन करके हल्ला मचा के हल्ला बोल के इस तरीके कुछ साधन संसाधन किस इस तरीके कुछ उपक्रम विपक्ष करेगा ही, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन ये तो सिंपल सा मसला था कि भाई जाओ बैठो और चार दिन तक वो एक संकेत और संदेश देना चाहते थे, जगह जगह रोक के मुझे लगता रेजिस्टेंस करके एक और जो विपक्ष को एक और माइलेज मुझे लगता ज्यादा मिला। खैर एक ये पहलू है, अपने अपने समझने की बातें हैं। जैसे राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद और बड़े नेता, एक तरीके से विपक्ष में इस पूरे नीतीश कुमार के बाद राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे एक तरीके से विपक्ष मुझे लग रहा है उसकी रीढ़ सीधी हो रही है धीरे 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 करके। और उत्तर प्रदेश में चूंकि आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से आपकी ताकत उतनी नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी की है, तो कहीं इसके पीछे ये भी एक मंशा है 2024 की भी मंशा है कि समाजवादी पार्टी एक तरीके से सरकार को हमला करके या सरकार के सामने खड़े होकर के, या वो मुद्दे तो शाश्वत हैं, वो हैं ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या इसके पीछे 2024 की मंशा है? और आप सब लोग मिलकर पूरा विपक्ष, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं अब देखिए सारी जगह विपक्ष एक तरीके से सक्रिय हो गया है, जैसे आप लोगों ने वो नेकर में कुछ आग वाग लगा के कुछ आपने पोस्टर जारी कर दिया उसको लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है, तो ये पूरा एक मुझे लगता है विपक्ष की भी स्ट्रेटजी रणनीति अलग तरीके से काम कर रही है 2024 को लेकर, एक तरीके से मुकाबले को तैयार है विपक्ष। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, इस समय मैं ये कहूं कि अगर जो देश की जनता ही विपक्ष में खड़ी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश की हर क्षेत्र में बदहाल स्थिति बना दी है, ऐसे समय में जनता खुद ही आज विपक्ष बनकर खड़ी है। मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं, सभी लोग इस पे ध्यान से सुने कि आज सितंबर आधा बीतने वाला है और अभी तक विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। सभी विश्वविद्यालयों को सीयूईटी में लाके एक टेस्ट करा के और उसके बाद वहां का एडमिशन प्रोसेस ही नहीं शुरू होने दिया है। पूरी तरह से ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अगर जो शिक्षा की बात होगी तो ये गिर जाएंगे, स्वास्थ्य की बात होगी तो गिर जाएंगे, विकास की बात होगी तो गिर जाएंगे, नौकरियों पे इन्होंने खत्म कर दिया, पूरे देश के जो पब्लिक संसाधन थे उनको बेच दिया, ऐसे समय में कैसे ये सत्ता में बने रहे। इसलिए ये कई जगह विपक्ष से एक साजिश भी रचते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे मुद्दे अनावश्यक रूप से उछाल दिए जाएं जिनका धरातल पर आम आदमी के जीवन से कोई लेना देना ना हो, और उसी में लोग उलझे रहे और हो हल्ला होता रहे। असली मुद्दों पर कभी भारतीय जनता पार्टी जवाब देना ही नहीं चाहती है। इस समय देश पूरी तरह से अनियंत्रित अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमीरों की पूंजी बढ़ रही है और गरीब होता चला जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। विकास का जो ढांचा आपको दिखाई देगा उसमें विनाश ज्यादा दिखाई देगा। सभी पेड़ आप काट डालेंगे, पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर जो यही अच्छे दिन और यही ट्रांसफॉर्म इंडिया है तो अब हम लोगों को नहीं चाहिए, और ये पूरे जनता ने सोच लिया है। इसीलिए आज देश में सत्ता पक्ष चर्चा में कम है और विपक्ष चर्चा में ज्यादा है, क्योंकि जनता खुद ही विपक्ष बनकर खड़ी हुई है। वो अपने नेता के रूप में राहुल गांधी को देख रही है, वो जान रही है कि अब मोदी जी से जो छलावे थे, जो जुमले थे, वो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। इसलिए अब वो उम्मीद भरी नजर से कांग्रेस की ओर देख रही है।
अखिल जी जवाब दीजिए, बहुत सारे मुद्दे गिना दिए कि भाई एडमिशन आप करा नहीं पाए, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, पढ़ाई के सिस्टम आप कर नहीं पाए, पढ़ाई दवाई सिंचाई कमाई सबकी हालत खराब है, रोजगार चले गए, जवाब दीजिए। अब इसमें ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ कानून से हो रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का नहीं हो रहा है, माँ बनेगा बेटा बनेगा, बेटा बनेगा माँ बनेगा, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, जो सवाल पूछे वो किसी को बना दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा आपका कंसर्न नहीं, भारतीय जनता पार्टी कंसर्न नहीं, कांग्रेस नहीं पूछती है कि भाई नड्डा को बनाओ या अमित शाह जी को बनाओ या किसको बनाओ, कांग्रेस कभी नहीं इसमें दखल देती है। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो, आप जनता के मुद्दे जो एड्रेस करने हैं उनका जवाब दो, ये पूछ रहे हैं कुलभूषण त्रिपाठी। जनता ने हमें पुनः जिताया, पुनः आए फिर 2024 में आपके सामने जनता हमें जिताएगी, देखिएगा पूर्व मोहम्मद की सरकार फिर बनाएंगे हम, आप देखिएगा क्यों। अरे हम तो देखेंगे ही, क्यों जिताएगी, ये कह रहे हैं कि जनता ही विपक्ष हो गई है, अब विपक्ष की जरूरत नहीं है, जनता विपक्ष हो गई है और विपक्ष की अब जरूरत नहीं, केवल एक नेता एक चेहरा वो देख रही है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी का चेहरा हमने देख लिया है, जनता ने देख लिया है, कांग्रेस कह रही है। प्रदेश में जनता ने जवाब दिया है 2021 में, 2021 में उत्तर प्रदेश में जनता लगातार जवाब दे रही है। आवाज हमारी आ रही है दिलीप जी, बहुत सारे मुद्दे अभी कुलभूषण त्रिपाठी जी ने उठाए कि भाई ये तो गजब है मामला, ये अभी सितंबर आ गया और अभी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हुए, कोई बात ही नहीं कर रहा हमको, आपको इन सब चीजों की फुर्सत ही नहीं है बात करने की, बहुत सारी समस्याएं इस तरह की पड़ी हुई हैं, और हम लोग घूम फिर कर आ जाते हैं कि भाई मदरसों का सर्वे का क्या हुआ, और नीतीश कुमार इस समय सबसे बड़े विलेन है इस देश में, आप मुख्यधारा के मीडिया में देखिए सिर्फ नीतीश कुमार है बस सबसे बड़े विलेन, बिहार में बिल्कुल जंगल राज रिटर्न्स, बस दो ही मुद्दे आपको मुख्यधारा के मीडिया में भी दिख रहे हैं, कहीं पढ़ाई सिंचाई दवाई कमाई बेरोजगारी कहीं कोई मुद्दा नहीं है, सब लग रहा है कि बिल्कुल व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। हम और आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट अब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं दिलीप जी, हम तो सवाल लगातार पूछते हैं हमसे आपसे, मतलब हमारे आपके बिरादरी के लोग, हम आप तो पूछ ही रहे हैं जहां मौका लगता है जरूर पूछते और हैं, हम सबसे पूछते हैं, हम राहुल गांधी की पार्टी से पूछते हैं, हम अखिलेश यादव से पूछते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी से एक सवाल है, त्रिपाठी जी समस्याएं जितनी आपने गिनाई है सब हैं और सत्य है, मैं मानता हूं समस्याएं एक नहीं है अनेक हैं सत्य है, लेकिन आपकी पार्टी कुछ ऐसा नहीं कर रही कि जनता का आकर्षण आपकी तरफ बढ़े, या तो आपकी वाणी में दम नहीं है या आपके मुद्दों में वो जज्बा नहीं है जो आप जनता को आकर्षित कर पा रहे हैं, या जनता धर्म और उसमें मोहित हो चुकी है, जो वास्तविक मुद्दों पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं वो नहीं दे पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कमी मैं आपकी ही कहूंगा त्रिपाठी जी, कमियां जो समाज में है वो हैं, लेकिन आप अगर जनता त्रिपाठी जी बहुत बड़े दिल से स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हम स्वीकार करेंगे और जो गलतियां हैं हम सुधार रही कांग्रेस जी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमी आपकी भी है और आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, सिर्फ कमियां गिनाने से काम नहीं चलता है, आप उन कमियों के लिए क्या ऑल्टरनेट लेकर के आएंगे। ठीक बात है, बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं विकल्प क्या है, वो नाराज है मौजूदा सरकार से, नाराज है, कह रहा मैं नाराज हूं, लेकिन विकल्प क्या है, ये बड़ी बात है दिलीप जी। त्रिपाठी जी विकल्प के रूप में उभर नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं उभर के आ रही है, अब ये क्या कारण है ये आपको खोजना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही पार्टियां आदमी की जुबान पर आती हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस जुबान से खिसकती चली जा रही है, जुबान पे होते हुए भी आदमी के दिल में क्यों नहीं उतर पा रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा। कुलभूषण जी जी जवाब दीजिए, और जाहिद साहब भी जुड़ गए हैं शायद, मुझे लगता है तकनीकी खामी के कारण वो हमारे साथ नहीं थे अभी तक, बोलिए। मैं दिलीप जी का जवाब दे दूं, दरअसल दिलीप जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा दुनिया के हर देश में होता रहा है कि एक अंधड़ का दौर आता है, लेकिन अंधड़ सच नहीं होता है, अंधड़ थोड़ी देर के लिए होता है, और आपने अपने वक्तव्य में ही जोड़ दिया क्या धर्म और विभाजन और नफरत ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जिनकी वजह से कांग्रेस जनता की आवाज नहीं बन पा रही है, तो मैं स्वीकारता हूं कि इस देश में ऐसा ये दौर एक अंधड़ का है कि जिसमें सही मुद्दे छुपे हुए हैं, लेकिन
अभी इसीलिए हमारे नेता ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, और जिसकी वजह से अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, 150 दिन की यात्रा है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज बुरी तरह से परेशान है, पूरी तरह से परेशान और डिस्टर्ब हो गई है। जिन बच्चों के गाल खींचते थे और जिन बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग देते थे, वो बच्चे अगर जो राहुल जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं तो उसी पे उन्हें तकलीफ हो जा रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस विकल्प थी, विकल्प है और विकल्प रहेगी, और विकल्प नहीं 2024 में संकल्प रहेगी, और तभी इन सभी बुराइयों का खात्मा करेगी। नहीं नहीं, आप लोग नेहरू जी वाले एनजीओ का भी प्रयोग कर रहे हैं इसमें। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नेहरू जी का जो एनजीओ है नेहरू जी के नाम पर बना, उसमें भी आप बच्चे उसमें यात्रा में शामिल कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज बीजेपी ने इस बात को आरोप लगाया आप पे। बीजेपी के पास अब यही आरोप बचे हैं, क्योंकि देश पूरी तरह से राहुल जी से जुड़ रहा है। और मैं दिलीप जी की बात का जवाब दिया हूं कि ये 8-9 साल एक अंधड़ का दौर था, जिसमें कहीं ना कहीं जो जुमले होते हैं, जो लुभावने वादे होते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नोटबंदी लेकर आई, अच्छे दिन जीएसटी लेकर आई, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं और मेरे हिसाब से चीजें होती हैं, तो कोरोना उनके भाग्य से आया था जिसने पूरे देश को तहस नहस कर रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक अंधड़ का दौर था, ये सिर्फ लुभावना दौर था जिसमें नफरत और विभाजन सर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन अब जनता को पता लग गया है कि जीवन जीने के लिए स्कूल चाहिए है, जीवन के लिए अस्पताल चाहिए है, जीवन के लिए एक समाज चाहिए है, एक सौहार्द चाहिए है, एक लोकतंत्र चाहिए है, और बाबा साहब का संविधान चाहिए है, नेहरू का और इंदिरा का बनाया हुआ ये देश चाहिए है। ऐसी जो ताकतें हैं वो परास्त होंगी, और 24 में दोबारा से आपको देश लोहिया और जेपी को भी जोड़ लीजिए, लोहिया और जेपी को भी जोड़ लीजिए, प्रकाश होंगे जिन्होंने इस देश को बना के खड़ा किया, उनके मूल यहां होंगे। ठीक बात है, जाहिद साहब के पास चलते हैं और फाइनल कमेंट जाहिद साहब का आज के मंथन में। जाहिद साहब, जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशोवर्धन जी ने कहा कि सरकार से नाराज हैं लोग, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, लोग नाराज हैं, लेकिन वो कह रहे विकल्प क्या है। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प है नहीं, कांग्रेस मजबूत नहीं है, क्या स्थिति है? राहुल गांधी अभी वो करंट पैदा नहीं कर पाए जैसा एक परसेप्शन बन रहा है या बनाया जाता है, तो अब विपक्ष की क्या भूमिका होगी, जनता की जो समस्याएं जो एड्रेस कर रहे हैं आप उसकी, उसको लेकर? और 2024 तो केंद्र बिंदु में है ही, जाहिद साहब। क्योंकि हम लोग, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में मेन पार्टी है, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही मेन फोकस करते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में पिछले बार की अपेक्षा हमारी वोटें बढ़ी, 30% हम लोग वोट पाए जी। लेकिन बात का नहीं है कि सत्ता में कौन है कौन नहीं है, सरकारें आती जाती है, ये लोकतंत्र का हमेशा इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार सरकार में काम कर रहे हैं योगी जी, इनके मंत्री के लोग, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आज लड़ाई ये बात की है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा जी। आज लोहिया देश, जयप्रकाश जी का देश, गांधी जी का देश रहेगा कि नहीं रहेगा? आज इस तरह नंगा नाच लखनऊ के सड़कों पर नाचा गया है, विधायकों के साथ बदतमीजी की गई है, आज इस बात का प्रमाण इनको अहंकार हो गया है, और जब अहंकार हो जाता है वहीं से पतन शुरू हो जाता है। आज इनके पतन का दिन आ गया है। ये जब मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई की मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पुराने पिछड़ों का मुद्दा जब उठता है तो ये मामला कहीं और ले चले जाते हैं, सदस्यों के नाम लेना शुरू कर देते हैं जांच के लिए। और ये बताएं कि संसदीय विद्यालय को कितना आइडिया, संसदीय जो मदरसे हैं बरामी स्कूल है, कितना आइडिया इन्होंने, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा ले आते हैं। आज जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, इसका जवाब हम लोग 19 तारीख को विधानसभा में चलेगा, पूरी ताकत से दिया जाएगा, इनके दम होगा तो रोक लेंगे 19 तारीख को फिर विधायकों को। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी, दिलीप जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आखिर ग्रोवर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं नियमित रूप से और हमारे कार्यक्रम मंथन को भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के मंथन में यही निकला कि भाई लोकतंत्र है ये, और विपक्ष का गला घोटना सत्ता पक्ष का काम नहीं है।
जो कार्यपालिका है उससे विधायिका अनुमति नहीं लेगी अगर वो विधायी कार्य करने जा रही है। पब्लिक के बीच कहीं कोई धरना प्रदर्शन वो करते हैं तो लेना पड़ेगा, लेकिन विधानसभा के अंदर जाने से विधायक को आप रोक नहीं सकते। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद वेग जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने चेतावनी दी कि 19 तारीख को हम मार्च निकालेंगे और दम है तो रोक लीजिए। मुझे लगता है कि 19 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वो सदन के अंदर और सड़क पर भी वास्तव में विपक्ष लड़ता नजर आएगा और संघर्ष करता नजर आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जनता के मुद्दों के लिए, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, सिंचाई हो, कमाई हो, रोजगार हो, इन मुद्दों के लिए ये संघर्ष बड़ा जरूरी है, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। और जब जहां पर मजबूत विपक्ष होता है वहीं लोकतंत्र फलता है, फूलता है, सरकारें भी अंकुश में काम करती हैं। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का। चलते चलते में एक बच्चे की करुण पुकार आपको सुनाएंगे। ये बच्चा गोंडा के परसपुर गांव का रहने वाला दुर्गेश है। 14 साल का ये बच्चा लखनऊ के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर उसकी आवाज शायद सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये बच्चा बिलख बिलख कर कह रहा है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई, उसके छोटे भाई की हत्या कर दी गई और पुलिस अपने चिरपरिचित रवैये के अनुसार ही काम कर रही है। अभी तक हत्यारे बाहर हैं, घूम रहे हैं। और ये बच्चा तो ये भी कह रहा है कि जो हत्यारे हैं वो धमकी देते हैं कि वो शासन सत्ता के संरक्षण में हैं, वही काम करते हैं, वो जाते हैं, अभी भी इस परिवार को वो धमका रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के DGP, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और जितने शीर्ष लोग हैं उनसे इस मंथन कार्यक्रम के जरिए हमारी गुजारिश है कि इस बच्चे को न्याय दीजिए। इस बच्चे के आंसू देखिए, इन पर तरस नहीं खाइए, इसको अधिकार दीजिए, अगर इसे न्याय दीजिए। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, इस देश का भविष्य हैं, इस प्रदेश का भविष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम मुख्यमंत्री जी के, योगी आदित्यनाथ जी के 10 बार एप्लीकेशन दे दिया, मेरे भाई की हत्या हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका बेटा हरविंद सिंह का बेटा 1076 में काम करता है योगी बाबा हेल्पलाइन में, वो धमकी देता है और संडे को जाता है, शाम को दारू वारू पी के फायरिंग करता है, घर वालों को धमकी देता है कि मुकदमा सुलह कर लो, मुकदमा वापस ले लो। सिंह ने मीट मच्छी बनाया था हमारे भाई से, कहा कि बर्तन बांध, हमारा भाई कहा हम पूजा पाठ भक्त आदमी है, हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ खाया पिया नहीं जाता, हमारे यहाँ भक्त आदमी है हम लोग, तो इसीलिए अरविंद सिंह ने मसाला कूटने वाली कुटनी से मार दिए। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम दर दर ठोकरे खा रहे, यही मर जाएंगे वो ठीक है, हम घर नहीं जाएंगे।